क्वेश्चन में इसका वेरिफिकेशन भी पूछा है, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर जो आया है वो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। तो जो क्यू एक्स था वो हमारा डिवाइज़र था, जी एक्स सॉरी, और जो क्यू एक्स था वो क्या था हमारा क्वेश्चन था, और आर एक्स क्या था रिमाइंडर। तो जी एक्स हमारा क्या था एक्स माइनस टू, क्यू एक्स हमारा था ये 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x + 5, और आर एक्स जो था आर एक्स था वो 9 था। इसका मतलब इन सबको सॉल्व करने के बाद मेरा डिविडेंड आना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो रूल है वो हमने अभी भी सीखा, जो एल्गोरिथम कहती है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। दैट मीन्स पी एक्स तभी आएगा जब जी एक्स का क्यू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे और आर एक्स उसमें ऐड कर देंगे। तो मेरा आंसर पी एक्स आना चाहिए इन सबको सॉल्व करके। तो हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक्स माइनस टू है और ये मल्टीप्लाई में है, तो मुझे ध्यान देना है कि पहले x का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस टू का फिर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने क्या किया, अलग अलग लिख लिया कि x का इस पूरे ब्रैकेट के साथ एक बार लिख लिया और माइनस टू का एक बार लिख लिया। जो बच्चे डायरेक्ट कर लेते हैं वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि x का पहले इसके साथ फिर पूरे इसके साथ फिर माइनस टू का फिर पूरे के साथ। बाकी जिनको नहीं आता है वो पहले एक स्टेप और कर सकते हैं कि अलग अलग लिख के देन बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि x का जब 3x³ में करेंगे तो क्या आएगा, 3x⁴। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि नंबर नंबर 1 के आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, और x का x³ में होता है तो क्या आ जाता है x⁴। क्यों हो जाता है, क्योंकि पार सेम बेस सेम है और पार क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर 1 इंटू x की पावर 3 जो है x की पावर 4 हो जाएगा। पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है अगर बेस सेम होता है तो, और मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो। तो हमने यहाँ देखा तो ये 3x³ का x में किया तो एक 3x⁴ आ गया, बाकी 1x का 2x² में किया क्या है 2x³। कैसे आ गया, 1 का 2 में किया 2, और x की पावर 1 और x की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी x की पावर 3, बिल्कुल इसी कंसेप्ट से। बाकी 1 का 4 में किया है 4, x की पावर 1 का x में किया तो क्या है x²। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 1 थी, यहाँ कुछ पावर नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, तो 1 का 1 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। बाकी 1x का 5 में करेंगे तो आ जाएगा 5x। बाकी इसे देख लेते हैं, यहाँ माइनस बाहर है तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर माइनस बाहर होता है ब्रैकेट के तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं चेंज, क्योंकि माइनस क्या होता है, क्योंकि देखिए यहाँ इन सब के आगे क्या है प्लस साइन है। जब माइनस का प्लस के साथ करेंगे तो आएगा माइनस, माइनस का प्लस के साथ करेंगे तो आएगा माइनस, माइनस का प्लस के साथ करेंगे माइनस, माइनस का प्लस के साथ करेंगे तो माइनस प्रोडक्ट करेंगे। तो हमें याद क्या रखना है, अगर इतना नहीं ध्यान रख सकते हैं तो हमें इतना ध्यान रखेंगे कि ब्रैकेट के आगे अगर माइनस है तो अंदर के जो भी साइन ओरिजिनल साइन से उनको क्या कर दो उल्टा कर दो। तो बिल्कुल वही कर दिया मैंने, बाकी मल्टीप्लाई किया है सिंपल, 2 का 3x³ में किया तो आया 6x³, 2 का 2 में किया तो आया 4x², 2 का 4 में किया तो आया 8x, और 2 का 5 में किया 10, बाकी ये प्लस साइन एज इट इज चल रहा था। बाकी अब देखते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 4 का कोई भी टर्म नहीं है इसलिए मैंने इसको तो चुपचाप लिख लिया यहाँ पे। अब 4x² यहाँ पे प्लस के साथ है और ये 4x² माइनस के साथ है, तो मैंने क्या किया इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि ये जीरो हो जाएंगे, एक प्लस की टर्म एक माइनस की टर्म क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। उसके बाद मैंने x³ देखा, x³ की यहाँ पे एक टर्म है जो कि ये है, तो अब देखिए इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 6 में से 2 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x³, पर साइन किसका आएगा जो बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 के आगे माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बाकी 5x और माइनस 8x को करेंगे सॉल्व तो देखेंगे प्लस का 5x और माइनस का 8x, तो प्लस माइनस माइनस, तो 8x में से 5x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3x, 3x आएगा, और साइन माइनस का क्यों आया, जो बड़ा है उसका साइन आता है। बाकी माइनस प्लस माइनस, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, साइन किसका जो बड़ा है, 10 के आगे माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस आ गया। अब हम ज़रा चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा px था जो ओरिजिनल हम क्वेश्चन में लेके चले थे, तो देख लेते हैं 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, अब यही हमारा क्या था px था, इसका मतलब हमारा ये वाला जो डिविजन है वो बिल्कुल सही है। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आप फाइंड आउट करो पी ऑफ 2, तो ये मैंने कल सिखाया था कि इस ये इसे बोलता है वैल्यू निकालना। तो ये हम देखेंगे कि पी एक्स है तो एक्स की जगह 2 रखा हुआ है, इसका मतलब जहाँ जहाँ एक्स है पॉलिनोमियल में वहाँ हम क्या कर देंगे 2 पुट कर देंगे, ये मैंने कल सिखाया हुआ है। तो एक्स की पावर 4, तो हमने एक्स एक्स जहाँ जहाँ लिखा वहाँ पे हमने 2 सब्सटीट्यूट कर दिया, अब बस इसके सॉल्व कर लिया है इसको। 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 16 3 क्या होता है 48, 2 का क्यूब क्या होता है 8 इंटू 4 32,
थ्री इंटू टू इज सिक्स माइनस वन, 16 3 जो 48 हो गया, ये 38 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 32 और 6 हो गया 38, साइन किसका जो बड़ा है, तो ये माइनस हो गया, माइनस वन यहाँ आ गया। फिर वही दो दो के पेयर बना के सॉल्व करते हैं 48 को एज इट इज़, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 38 और 1 को ऐड किया 31 आया, साइन किसका जो बड़ा है, 38 के आगे माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस साइन आ जाएगा, 48 में से 39 माइनस किया तो आ गया 9। इसका मतलब हम अगर ध्यान से देखें तो मैंने ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है कि जब जब पी एक्स को डिवाइड करेंगे इसके फैक्टर से, एक्स माइनस टू से डिवाइड किया, तो जो देन द रिमाइंडर इज पी टू। तो हम देखेंगे कि जब हमने यहाँ डिवाइड किया हुआ था x माइनस टू को तो आंसर आ रहा था 9, ठीक है, इसका मतलब। और जब हम इसकी टू को जब हमने इस पॉलीनोमियल में पुट किया तब भी आंसर 9 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। या तो आप x माइनस टू से उसके फैक्टर से उस पॉलीनोमियल को डिवाइड करोगे तब भी आंसर वही आएगा, या फैक्टर को इक्वल टू जीरो रखकर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। मतलब इसके दो तरीके हो जाएंगे, ये जो आएगा वो फैक्टर थ्योरम में आएगा, वो हम आगे सीखेंगे। तो आज हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रिमाइंडर थ्योरम। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो लेट पी एक्स बी अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री वन और मोर एंड लेट अल्फा बी एन रियल नंबर, इफ़ पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा देन द रिमाइंडर इज़ पी अल्फा। तो कल हमने एक ऑब्जर्वेशन देखा था, उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि अगर हम x माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं पी एक्स के अंदर, या इस x माइनस टू को इक्वल टू जीरो रख के x की वैल्यू निकाल के अगर हम पुट करें तो आंसर दोनों ही केस में सेम आता है। तो यही रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि मान लीजिए कि कोई पी एक्स कोई पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है या 1 से ज़्यादा है, और अल्फ़ा कोई ऐसा रियल नंबर है, तो अगर x माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करें तो जो उसका रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, p ऑफ अल्फ़ा होगा। मतलब दोनों ही केस सेम होगा। अब इसे क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं और अच्छी तरह से। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलीनोमियल पी एक्स एक्स फोर प्लस टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज़ डिवाइडेड बाय जी एक्स एक्स माइनस टू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो जी एक्स ये रखा है उसको हम इक्वेट कर देंगे ज़ीरो के। तो यहाँ से हम क्यों इसे इक्वेट करा, क्योंकि हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब आगे देखते हैं कि बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस टू देन रिमाइंडर इज़ पी टू। ये थ्योरम एक्चुअली कहती है कि जब आप किसी जैसे पी एक्स को x माइनस टू से डिवाइड करोगे तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो पी ऑफ टू होगा। तो हम देख लेते हैं पी टू की वैल्यू क्या होगी, पी ऑफ टू की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या किया कि पॉलीनोमियल में हमने जहाँ जहाँ x रखा था वहाँ पर 2 रख दिया, जैसे 2 की पावर 4 प्लस 2 into 2 की पावर 3 माइनस 3 into 2 की पावर 2 प्लस 2 minus 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16, ये 2 की पावर 3 था, इसका मतलब क्या हो जाएगा 8, और 8 into 2 इज 16, 2 की पावर 4 2 इज 4, 4 into 3 is 12 प्लस 2 minus 1, 16 plus 16, इन सबको सॉल्व किया 32 माइनस 10 माइनस 1, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या आ गया, 21। तो अब हमें ध्यान देना है कि अगर रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग बोला जाएगा तो हम उसमें सिर्फ वैल्यू पुट करके देखेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, जबकि अगर डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग बोला जाएगा तो हम उसे डिवाइड करके देखेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलीनोमियल पी एक्स फोर एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 14x-3 इज़ डिवाइडेड बाई जी एक्स इक्वल्स टू 2x-1। तो क्योंकि हमें सिर्फ रिमाइंडर पूछा है और उसने डिवाइड लगाने को बोला है, पर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम ओनली, तो हम इसे रिमाइंडर थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। मतलब हम सिर्फ जी एक्स की वैल्यू को जीरो के इक्वेट पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल के उसे पी एक्स में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और रिमाइंडर डायरेक्ट निकल जाएगा रिमाइंडर थ्योरम से। तो वही करा है हमने, जी एक्स इक्वल्स टू जीरो रखा, 2x-1 इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। फिर स्टेटमेंट लिखेंगे कि बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट व्हेन पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाय 2x-1 देन द रिमाइंडर इज़ पी ऑफ 1/2, क्योंकि 1/2 यहाँ पे x की वैल्यू आई थी वही वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम इसी 1/2 की वैल्यू को इस पॉलीनोमियल में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो वही हमने कर दिया, 4 1/2 का क्यूब माइनस 12 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 1/2 माइनस 3। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो 1/2 का क्यूब मतलब 1/8
तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 1 4, 4 2 8, -12 ये था, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस यहाँ से 2 14 कटा, 7 टाइम्स 7 -3, ये वाला एज इट इज़ आ गया, यहाँ हाफ बचा था, यहाँ 3 7 -3, ये हाफ माइनस प्लस माइनस, तो क्या आएगा, 7 में से 3 गया तो क्या आया, 7 में से 3 गया तो क्या आया, 4, और ये -3 एज इट इज़ आ गया। फिर हमने ये सॉल्व किया, माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया, 1, और हाफ आ गया, और हाफ प्लस 1 इज़ 3/2, तो ये इसका रिमाइंडर आ गया, क्योंकि सिर्फ उसने रिमाइंडर पूछा था, हमसे पूरा डिवाइड करने को नहीं कहा था। अब